अगर आपकी तरफ भी किसी बैंक के क्रेडिट कार्ड का बकाया है तो यह खबर आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जी हां, आप भले ही व्हाट्सएप मैसेज को गंभीरता से न लेते हो, लेकिन एक अदालत ने व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए नोटिस को वैध बताया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बैंक से बच रहे एक क्रेडिट कार्ड डिफॉल्टर ने पीडीएफ फाइल में नोटिस देखकर पढ़ने के साथ ही खोलकर पढ़ा भी। टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के अनुसार नालासोपारा निवासी रोहिदास जाधव पर साल 2010 में क्रेडिट कार्ड का 85,000 रुपए बकाया था। सुनवाई के दौरान 2011 में हाईकोर्ट ने रोहिदास को 8% ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया। हालांकि जाधव ने बैंक को बकाया का भुगतान नहीं किया। इसके बाद हाईकोर्ट SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज की तरफ से 2015 में 1.17 लाख रुपए के बकाये के लिए केस किया। इस बीच जाधव ने अपना घर शिफ्ट कर दिया और SBI कार्ड्स उसे लीगल नोटिस सर्व नहीं कर पाया। हालांकि SBI कार्ड्स के पास जाधव का मोबाइल नंबर था। ऐसे में बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने व्हाट्सएप पर जाधव को इस बारे में अगली सुनवाई के बारे में इंफॉर्मेशन दी। साथ ही वकील ने जाधव के मोबाइल नंबर पर नोटिस की PDF भी भेजी। वकील मुरलीधर काले ने अदालत को बताया कि जाधव ने नोटिस रिसीव करने के साथ ही इसे पढ़ा भी है। ब्लू टिक से यह साफ हो रहा है। वकील मुरलीधर काले ने कहा कि जाधव ने घर बदल लिया था, ऐसे में उन्हें नोटिस भेजा नहीं जा सका। उनके पास जाधव का फोन नंबर उपलब्ध था, उस पर नोटिस भेज दिया गया जो कि हाईकोर्ट ने अपने रिकॉर्ड में लिया। कंपनी ने क्रियान्वयन याचिका के साथ हाईकोर्ट की शरण ली क्योंकि जाधव ने उसके कॉल उठाने बंद कर दिए।